कितने दिन से तुम्हारा वीडियो देख रही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये भी पॉपुलर। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप जहाँ रहिए स्वस्थ मस्त व्यस्त, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। दोस्तों तो देखिए मालती चौहान का जो कल का मैटर था, उस मैटर को दबाने वाले बहुत लोग हैं दोस्तों। उसमें गुरुप्रिया भाऊ जी साथ दे रही हैं, गोलू सिंगर साथ दे रहे हैं, सब लोग, सब यूट्यूबर मिलके उनका मदद कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। बहुत लोग महिलाएं हैं कि उनके पीछे खींचने में पड़ी हैं, उनकी केस को दबाना चाहती हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, हर महिला का मदद करना चाहिए। गुरुप्रिया भाऊ जी का हर वीडियो शुरू से हम लोग देखते चले आए हैं दोस्तों। वो सब औरतों की मदद करती है, उनकी सहायता करती है दोस्तों, ना कि उसकी कोई अनदेखी करती हैं दोस्तों। इसके लिए इस वीडियो में देखिए, इस वीडियो में मैं क्लिप लगाती हूँ, देखिए किस तरह महिला गुरुप्रिया फौजी को बदनाम कर रही है दोस्तों। होना चाहती है इसीलिए मेरे खिलाफ बयानबाजी कर रही है, लेकिन नहीं, ये तो नेता निकली। इसके बारे में जब मैंने बायोडाटा निकाला तो ये तो महिला मंच अध्यक्ष की गुरु माँ निकली। गुरु नहीं, गुरु की चेली है। अभी गुरु की इंतजार, गुरु का इंतजार करिया। उस गुरु का भी मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सुना है, जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, वो भी मैंने सुना है कि गोरखपुरिया भौजी का ये दो साल पहले, गोरखपुरिया भौजी शुरू से ही नौटंकी करती है, अपने महादेव जी को भगाती। तुम होती कौन हो? क्या सबूत है मैंने अपने महादेव जी को भगाया? एक मियां बीबी का झगड़ा होता है, उसमें पति गुस्सा के घर से चला जाता है, दो चार वीडियो बन जाती है, तो क्या उसमें व्यू का खेल हो गया? अपनी सोशल मीडिया से मैं नहीं पूछूंगी, नहीं ढूंढने को बोलूंगी, तो क्या तुमसे बोलूंगी? तुम होती कौन हो? मुझे नहीं चाहिए ऐसा विकास महिला का मंच, ठीक है? और जिस दिन मैं तुमसे मदद मांगने जाऊंगी ना, उस दिन चप्पल निकाल के मेरा मुंह से मार देना मुझे। मैं अपने आप में खुद एक विकास महिला मंच हूँ, ठीक है? मेरी आवाज को तुम दबा सकती हो। कैसे दबा सकती हो? मेरा चैनल बंद करवाओगी, मुझे जेल में भिजवाओगी, ठीक है, भिजवा लो, लेकिन इतना जान लो, यहाँ पे जो बैठा है ना मेरा पति, आइए ना, अब आइए आपका टाइम। मैं एक दिन में 100 चैनल बना दूंगा। एक दिन में 100 चैनल बनेगा? और हजारों महिलाएं मुझे देख करके वीडियो बनाती हैं, हजारों महिलाएं। तुमको तो टाइम लगेगा महिला, एक मिनट समझूंगा कि कौन सा मंच, तुमको टाइम लगेगा। एक बार अगर मिल जाता है कि जो, देखिए ये महिला के लिए लड़ती, मैंने मना नहीं करता, ये कोई नेता बनने के लिए नहीं लड़ रही है। मैं एक महिला के, उसका इज्जत सरेआम उसका पति उछालता है, उसको नहीं कोई कहता है। और ये लोग बोलती है कि मैं गोपनीयता भंग की हूँ। कौन सा गोपनीयता भंग की हूँ? तुम्हारा आंख फूट गया था, भड़क गया था, नहीं देखी थी? उसका पति उसका वीडियो वायरल किया था, उसका पति उसका ऑडियो वायरल किया था। मैं थाने में जाकर उसका ऑडियो डिलीट करवाती हूँ, सब चीज मैं करवाती हूँ। और मुझे ब्लेम, जिस दिन से मेरे यहाँ से गई उसी दिन से सारा प्रपंच रचा गया, रचेगा ना, क्योंकि वो ड्रामेबाज था। नेता बनने आए हो, नेता बनने आई हो, सुनो, अपना नेतागिरी अपने पास रखना, ठीक है? गोरखपुरिया भौजी डरती नहीं है, गोरखपुरिया भौजी। सुनो एक मिनट, शायद तुमको मेरा नाम नहीं पता होगा, सुन लो मेरा नाम, आज रियल नाम मेरा रिंकी निषाद है, ठीक है? और मैं रिंकी निषाद तुमसे कहना चाहती हूँ, गोरखपुरिया भौजी के उद्देश्य नहीं, एक आम महिला, एक आम जनता के नसीहत देना चाहती हूँ तुमको कि अभी भी समय है, सच्चाई का साथ दो, विष्णु राज को जेल भेजवाओ, ठीक है? अगर अपना तुम इसमें रोटी सेकने आई, तुमको टाइम लगेगा महिलाओं को इकट्ठा करने में। हमारे एक शॉर्ट वीडियो से 10,000 महिलाएं हमारे सपोर्ट में खड़ी होंगी, क्योंकि हम महिलाओं का हित में काम करते हैं, महिलाओं के हित के लिए काम करते हैं, बगैर पैसे के, बगैर कमीशन के, बगैर घूस के। तुम्हारे जैसे नहीं है कि 1,000 दे दो मीडिया वालों को देना, 1,000 दे दो गाड़ी भाड़ा को देना है, 4,000 दे दो फलनवा को देना है, ऐसे नहीं है। तुम्हारी गुरु माँ नहीं हूँ मैं, जो बैठ करके अब तुम्हारी गुरु माँ का पोल पट्टी खोल कर रख दूंगी। मैं तो उसका चैनल ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे मिल गया उसका काला चिट्ठा, रात भर मैं सोई नहीं हूँ। तुमको क्या लगता है मैं कच्ची गोली खेल करके इतनी बड़ी हुई हूँ? मेरी 3-3 बच्चियां हैं, मुझे कुछ होता है ना, एक चीज जान लो दोस्तों, जितने भी चैनल से गलत अफवाह वाला वीडियो आया है, सबका नाम, और वो जो दो लड़कियां जो गई थी उनकी बातें मैं बता दूं, वो लड़कियां जो शमशान घाट पर चिल्ला रही थी गोरखप्रिया भौजी होती कौन है, उसी के चेली थी। गुरु गुरु की कह नहीं कर रहे, विष्णु राज के घर पे कुछ दिन जाके पहले वीडियो बनाई थी, ठीक है? और इस लड़की की बात कर रहे हो, इसके खुद के गाँव वाले इसको डंडा लेके मारने के दौड़े थे, वही वीडियो इसका वायरल हुआ।
सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया सभी से पैसा लिया जाएगा। मैं बोली ठीक है, जो जो करना है वो करिए, जो पैसा घटेगा मेरे से ले लीजिएगा, ठीक है। और जितना पैसा लगाना होगा ना मालती चौहान के बाप के लिए, एक बेटी मरी अभी, एक बेटी जिंदा है, अभी पैसा दे रहा है, अभी बोला कितना चाहिए, 1-2 लाख कितना चाहिए, अभी देती हूँ मैं मालती चौहान के पापा को, ठीक है। तो एक बार लेकिन वो बोले तो खुल के, ठीक है, तुम जो भाषणबाजी कर रही हो आके उसके पापा को 50,000 दे सकती हो, मोदी को अध्यक्ष से पूछना चाहती है, दे सकती हो, वीडियो नहीं बनना चाहिए, वीडियो अगर बन गया, सुनो एक मिनट सुनो, एक बात बता दूं, मेरी माँ ने मुझे बोतल का दूध पिलाकर पैदा नहीं किया है, मेरी माँ ने अपने सीने का दूध पिलाया है और मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं ना कि मैं किसी गलत के आगे ना झुकूं, ना झुकने दूं, ना कभी गलत करूं, ना कभी करने दूं। तुम्हें प्रॉब्लम मेरे चैनल से है, तुम सोच रही हो कि एक लेडीज होकर के कैसे इतना आगे बढ़ गए बिना किसी पदवी के, तो सुनो मैं ऐसे पदवी को लात मारती हूँ, ठीक है, ऐसे पदवी मुझे नहीं चाहिए जिसे पैसा लेकर के मदद करना पड़े। मेरी जो सोशल मीडिया है मैं उसकी, मुझे घमंड है कि मैं, मेरी सोशल मीडिया मुझे इतना प्यार करती, तुम होती कौन हो, मुझे बैंड लगाने वाली, मेरा चैनल बंद करवाने वाली तुम होती कौन हो, किसने अधिकार दिया तुमने, किसने अधिकार दिया तुमको बताओ, महिलाओं का लाखों